वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और यार अभी मैं अपने स्कूल की तरफ को जा रहा हूँ पुराने, और थोड़ा काम है वहाँ पे, तो सोचा आज आप लोगों को स्कूल की यादें और स्कूल की कुछ बातों के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये सामने मतलब हमारा स्कूल है, मतलब बहुत सारी यादें ऐसी हमारी यहाँ से जुड़ी हुई है। पहले मेरे को याद आता है कि जब हम यहाँ से हमारी रेसेस हुआ करती थी मैराथन की, तो हम लोग बहुत सारी चीटिंग भी किया करते थे, मतलब वो भी यार क्या दिन थे। और यार ये वो जगह है मतलब कि जहाँ से हम वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, फुटबॉल को लात मार के जानबूझकर नीचे फेंक देते थे नदी में, और फिर क्लासेस से बचने के लिए नीचे घूमने जाते थे। अलग ही लेवल था यार। ये वाला रूट होता था स्कूल का, मतलब यहाँ से बस जाती थी ऊपर को, फिर इन्होंने आगे मेन गेट आगे ही बना लिया सड़क में, तो यहाँ से हम जाया करते थे कई बार ऊपर को। मतलब सबको यादें याद होगी, काफ़ी लोगों को जो यहाँ पे पढ़े थे। और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को हमारा नया गेट, मतलब कि उन्होंने नया गेट बनाया था 3-4 साल बाद शायद। हाँ ये मेन गेट बनाया था इन्होंने, मतलब कि काफ़ी साल बाद, शायद 2-3 साल बाद बनाया था। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर वॉलीबॉल खेला करते थे, और फिर यहाँ से बॉल जानबूझ के कई बार नीचे फेंकनी, और फिर क्लासेस से बचने के लिए हम बॉल लेने भाग जाते थे। मतलब कि बहुत सारे उल्टे काम हमने ऐसे मिल के करे यहाँ पे, काफ़ी दोस्तों ने सब कुछ, कबड्डी खेली, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बहुत सारे। अभी मैं ऊपर तो जा नहीं सकता कोरोना करके, तो स्कूल भी ऐसे बंद ही है, पर चलो कभी लगाएंगे चक्कर दोबारा। और एक और ऐसी यादगार चीज़ है, मतलब कि जब भी कभी स्कूल से हम फ्री होते थे या सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते थे, तो यहाँ पीछे मंदिर में मिलते थे। मतलब कभी भी हम भंडारा होगा, कभी भी कुछ होगा ना, तो सारे बच्चे का यहीं डेरा लगता था, सब लोग आते थे, और मतलब कि एकदम बढ़िया टाइम पास करते थे। लाइन बना के आएंगे, लाइन बना के जाएंगे, जैसे इनसे ज़्यादा शिफ्ट तो कोई है ही नहीं, पर बहुत सारे कांड भी कर रखे हैं। हॉस्टल उन्होंने मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा रात रात को भाग जाते थे, पर वापस भी आ जाते थे, दुकान पर जाते थे आगे शॉप पर, और नाम लेते थे मेरा कि मेरे घर से आए हैं ना। अच्छा तो मतलब काफ़ी यादें यार स्कूल से, सबकी होती है, हमारी भी थी कभी। एक्चुअली मैं चक्की मोड़ तक आया था, तो सोचा क्यों ना यहाँ से आपको मैं अपना स्कूल भी दिखा दूँ। भाई हमने ना बहुत मज़े करे हैं यार अपने स्कूल में, काफ़ी ज़्यादा मज़े। ये पीछे मेरा स्कूल है, अगर आप लोगों को विजिबल होगा, इज़ इट विजिबल? नो इट इज़ नॉट विजिबल। ये पेड़ के ऊपर को है शायद, थोड़ा दिख रहा होगा। तो यार मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यादें हमारी जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। तो अभी मैं घर जाता हूँ, और फिर करते हैं पूरी बातें अच्छे से। मैं फाइनली आ चुका हूँ घर, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और बस, और फिर मास्क से ना दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। तो अभी मैं नींबू पानी बना के पीता हूँ पहले, सबसे पहले। यार अभी मैं ऊपर रूम में था, मैं रेस्ट कर रहा था, और मैंने सीरीज़ देखी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और इसके अलावा मैं एक और स्कूल की बात याद करता हूँ। उस टाइम सिर्फ ये वाले घर होते थे यहाँ पे, ये 3 कमरे होते थे यहाँ पे, ये हमारा ऊपर वाला घर नहीं होता था। तो ये जो पीछे सड़क देख रहे हो, यहाँ पे हॉस्टल वगैरह ये सब आते थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे, और फिर इन्होंने आवाज़ लगानी मुझे, मेरा नाम ले लेके बुलाते थे मेरे को, फिर हम ऊपर वाले घर में रहते थे वहाँ पे। ये जो ऊपर घर है ना रेड एक्सिस के साइड में, जो ब्लू ब्लू से, वहाँ पे रहते थे हम लोग उस टाइम पहले। तो वो भी कुछ यादें थी, किसी टाइम फिर ऊपर से मारते थे, फिर हम यहाँ से उनसे मिलने जाते थे। एक बार मैंने इनको नदी का टूर करवाया था, मतलब नदी में ले गया था, मैं फर्स्ट बैच था वो 10th का, और हम थे 3rd बैच, मतलब 3rd बैच थे 10th के, और 10th का स्कूल था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मतलब कि टीचर्स सब, वहाँ के रूम, सब ने छुपा के फ़ोन लेके जाने, लीड्स लेके जानी, आईपैड या आईपॉड, कुछ भी, अलग ही लेवल था भाई, सब करते हैं ऐसी चीज़ें। पर चलो, एवरीथिंग इज़ गॉन नाउ, सब कुछ समय के साथ ही होता है। चलो वो भी कभी दिन थे, ये भी कभी दिन थे, मतलब बचपन में हम सोचते कि बड़े हो जाएं, और अब ऐसा लगता है कि वही भाई बचपन ही ठीक था। मेरे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी ऐसे स्कूल की ना, मतलब कि जो जो मैंने लास्ट टाइम किसी से ली थी, जैसे स्केल हो गया, स्टेपलर हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी, वो सब कुछ आज भी मैंने संभाल कर रख रखी है। सिद्धांत से मैंने डायरी ली थी, स्कूल की डायरी, जो भी कुछ कह लो, सब कुछ आज पड़ा है, और वो सब कुछ यादों में है। तो यार अब मैं अपने लिए बनाऊंगा टोस्ट, और साथ में करूंगा दूध गर्म,
और उसके बाद मैं करूँगा छत पे जाके एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा फिटनेस कॉन्शियस हो रहा हूँ, क्योंकि पिंपल आ गया, क्योंकि ज़रूरी हो गया है। ग्रोथ सिर्फ पेट की और बालों की हो रही है, करियर का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है मेरे को। और तो मतलब ग्रोथ सिर्फ पेट की और बालों की हो रही है, तो मतलब करियर का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है मेरे को फिलहाल। जब भी कोई टेंशन होता है, जब भी कोई स्ट्रेसअप होता है, मेस्टअप होता है, तो या तो सोता है या तो खाता है, तो मैं हूँ जो खाऊँगा, नहीं तो मेरे पास आई नहीं, तो मैं थोड़ा दूध पीता हूँ, टोस्ट बनाता हूँ, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। अब हम करेंगे रेस्ट और मैं आज सोऊंगा छत के ऊपर, क्योंकि कमरे में लगती है नीचे गर्मी, मतलब ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा लगती है गर्मी, नीचे वाले में फिर भी ठीक रहता है, पर छत पे भाई एकदम मस्त हवा चलती है, एकदम बढ़िया। तो आज मैं छत पे सोऊंगा और ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरी वीडियोज़ को।